हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गुफरान खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ i10 ग्रैंड 1.2 का इंजन, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे टाइमिंग के मार्क्स, टाइमिंग चेन कैसे रिप्लेस करी जाती है या उनके मार्क्स कैसे और कहाँ कहाँ हैं। साथ में ही बताएंगे आपको बैलेंसर की टाइमिंग, कैम की टाइमिंग, इंजन की टाइमिंग, चेन की टाइमिंग, हम हर प्रकार की आपको आज इसकी टाइमिंग दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कम समय में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, तो फ्रेंड्स चलते हैं फिर टाइमिंग के मार्क्स की तरफ, और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कैम की पोजीशन। कैम की पोजीशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलग अलग पोजीशन में हो जाती है कैम रखने के बाद, इसलिए मैं कैम की पोजीशन इसलिए पहले दिखा रहा हूँ। कैम की पोजीशन ज़रूर देख लें, ठीक है। अब मार्क्स की तरफ आते हैं, जो चैन पर डॉट के निशान है और कैम पर डॉट के निशान है, और डॉट के बाद भी अगर डॉट भी मिट जाता है तो अभी बिंदु रहता है, ये देख ली दोनों हैं, ये भी है। दोनों दिखा चुका हूँ, ये एग्जॉस्ट की है, ये इंटेक की है, अब चलिए नीचे डीजल पंप, ये हाई प्रेशर पंप है। वैसे तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, लेकिन जो क्रैंक की जो कनेक्टिविटी है वो डीजल पंप से ही होकर जा रही है, इसलिए इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है। तो ये डीजल पंप का मार्क्स है, और जो क्रैंक पे जो आई हुई है, क्रैंक से जो टाइमिंग जो आई हुई है चैन, वो यहाँ पर है। और चलिए अब मैं दिखाता हूँ नीचे कैम का क्रैंक का मार्क्स, ये क्रैंक का मार्क्स है, पीला डॉट है, ये TDC के बिल्कुल सामने है। इस वक्त जो पोजीशन है वो TDC है, टॉप डेड सेंटर। और साथ ही मैं दिखा दूं मैं आपको बैलेंसर की टाइमिंग, पिस्टन TDC पर करने पर और बैलेंसर के दोनों डॉट और क्रैंक के डॉट के सामने मैच करके, ये पोजीशन बिल्कुल बैलेंसर की होगी, क्रैंक की होगी, और ये डीजल पंप की होगी, दोनों ये हो गया, ये इसी के सामने आएगा ये, और इसके बाद आपकी ये भी टाइमिंग हो गई। तो टाइमिंग तो ओके हो चुकी है, और मैं अब एडजस्टर हैं इन्हें निकाल देता हूँ। नीचे का भी एडजस्टर निकालता हूँ, तो फ्रेंड्स कंप्लीट टाइमिंग चेन में हो चुकी है कंप्लीट बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और